तो भैया नो बेक चीज केक बनाने के लिए हमको चाहिए चीज। हाँ जी, अगर क्रीम चीज मिलती है तो क्रीम चीज, मास्कारपोन चीज मिलती है तो मास्कारपोन चीज, और इक्वल क्वांटिटी ऑफ चीज और टंगा हुआ दही। देखिए दो चीजें मैंने डाली हैं। एक वक्त ये होता था जब हमको क्रीम चीज लिम चीज नहीं मिलती थी पुराने टाइम में, तो हम टंगे हुए दही से ही बनाते थे। हाँ मुझे पता है आप लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब श्रीखंडी बनाते थे ना रणवीर। ये तो भाई जब इतने बड़े बड़े पेस्ट्री शेफ हैं उनसे पूछिए, अब वो उसको श्रीखंड क्यों नहीं बोलते थे, चीज केक क्यों बोलते थे। तो एनीवेज आपको इजीली रेसिपी समझ में आए उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आधा कप शक्कर है, उसमें से आधी शक्कर मैं अभी डाल रहा हूँ, आधी शक्कर बाद में डालेंगे, ठीक है। और विस्क भी ले सकते हैं या फिर ये जैसे मैं अपना धीरे 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 धीरे, अब यहाँ पर मेरे पास ब्लेंडर है तो ब्लेंडर ले रहा हूँ मैं। चिल्ड लें, चिल्ड क्यों, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी क्रीम चीज़ का बन जाए मक्खन और आप कहें रणवीर आपने बताया नहीं, मक्खन नहीं निकालना है इसका, ठीक है। लस्सी नहीं फेंट रहे आप, चीज़ केक फेंट रहे हैं। अब ये जो है आप ये समझ लीजिए कि 1:1 का जो रेशियो है उसको फॉलो करते हुए आप किसी भी चीज़ केक का बेस बना सकते हैं। तो ये देखो ये है एक भाग, ये किसी भी नो बेक चीज़ केक का हो गया बेस, ठीक है। अब अगर आप नो बेक लेमन चीज़ केक बना रहे हैं तो इसके अंदर लेमन जूस जाएगा, लेमन जेस्ट जाएगा, ग्रेटेड लेमन जेस्ट जाएगा। अगर आप नो बेक मैंगो चीज़ केक बना रहे हैं तो इसके अंदर थोड़े डाइस मैंगोज, थोड़ा मैंगो पल्प जाएगी। अगर आप नो बेक चॉकलेट चीज़ केक बना रहे हैं तो इसके अंदर मोल्टन चॉकलेट जाएगी। अगर आप नो बेक स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बना रहे हैं तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी प्यूरे जाएगी। अगर आप नो बेक क्या बना रहे हैं बताइए आप मेरे, क्रीम चीज़ अगर आप खट्टा वाला ले रहे हैं जैसे क्वार्क अगर आपको मिलता है वो खट्टा क्रीम चीज़ होता है, तो फिर आप दही कम कर दें क्रीम बढ़ा दें। अगर आप रेगुलर क्रीम चीज़ ले रहे हैं, फिलाडेल्फिया ले रहे हैं, मास्कारपोन भी ले रहे हैं जिसमें खटास नहीं होती, तो फिर आप खटास के लिए दही डालें। तो मतलब बेसिकली जो कुछ भी बना रहे हैं बेस याद रखिए, और बेस में अगर क्रीम चीज़ नहीं मिलती तो टेंशन मत लीजिए, गॉड इज़ ग्रेट, ठीक है जी। एक तरफ हमारा ये बेस रेडी हो गया, दूसरी तरफ अब हमको इसका क्रस्ट रेडी करना है। हाँ मैं कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ लोगों को। दूसरी तरफ हम ये चीज़ केक का बेस रेडी करेंगे, एक तरफ चीज़ केक का वो बेस रेडी हो गया। वो बेस मतलब फाउंडेशन जिसमें कि फ्लेवर जाएगा, और ये बेस मतलब जिसके ऊपर चीज़ केक फिजिकली खड़ा होगा, ठीक है। कोई भी बिस्किट ले लीजिए, बिस्किट लीजिएगा, कुकी मत लीजिएगा, कुकी वैसे बड़ी रिच होती हैं कुकीज़, तो कुकीज़ लेने का फ़ायदा नहीं है, उसको ऐसे हाथ से कर लीजिए क्रम, मिक्सी में घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज बिस्किट ले लीजिए। अभी हमारे को यहीं पे सवाल आया था खाना बनाते बनाते ही कि कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, ले सकते हैं, बट 50% बिस्किट बेस आपको लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको जो डालना है डालिए, बाकी के अंदर मैनेज हो जाएगा। चौकोस डालना है चौकोस डालिए, कॉर्नफ्लेक्स डालना है कॉर्नफ्लेक्स डालिए, 50-60% बिस्किट होना चाहिए उसके अंदर। अब इंग्लिश में हम कहते हैं भाई ग्राम क्रैकर क्रम लीजिए, बहुत जगह आप रेसिपीज पढ़ेंगे नीचे लिखा होगा प्लीज़ यूज़ अ ग्राम क्रैकर क्रम बेस फॉर योर चीज़ केक। ग्राम क्रैकर जो है, क्रैकर मतलब अमेरिकन टर्म है बिस्किट्स का, चीज़ केक क्लासिकली अमेरिकन है, और क्रैकर जो जिसको हम बिस्किट बोलते हैं ब्रिटेन में, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको क्रैकर बोला जाता है अमेरिका में। बिस्किट उनका अलग होता है जो जो नमकीन ग्रेवी के साथ खाया जाता है, तो अमेरिका में जाके बिस्किट में मांगेगा फिर क्रैकर मांगेगा। एनीवेज तो ग्राहम क्रैकर सबसे न्यूट्रल क्रैकर्स होते हैं जो कि चीज़ केक बेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप किसी भी रेसिपी में देखें ग्राम क्रैकर क्रम, कन्फ्यूज मत होइए, ये सेम चीज़ है, ऐसे फैंसी नाम दिया हुआ है। अंग्रेज आता तो ऐसे अंग्रेजी से डरा देते हैं। बेसिकली पंजीरी बनाइए, पंजीरी बस पंजीरी बनानी है जी, ठीक है, बस बिस्किट की पंजीरी बनानी है, बटर के साथ में बिस्किट्स को कुक करना है। बटर से क्या है ना बाइंडिंग आ जाती है, बस बंद जाता है साथ में, और बिस्किट से एक वो बिस्किट को बटर में पकाने से एक वो नटी टोस्टी सा फ्लेवर आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बुक्स बड़े कॉम्प्लिकेट कर देते हैं मेरे को ना। सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये पेस्ट्री शेफ्स और ये बेकरी शेफ्स और इन सबसे है कि ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लाइफ को। सीधे बोलो बिस्किट की मंजीरी बनानी है, हैं ग्राम क्रैकर क्रम क्रस्ट। 20 टर्म तो मैं ऐसे बोल दूंगा सिर्फ शो ऑफ के लिए होते हैं। साबले बेसिकली बिस्कुट एक किस्म का, ठीक है, फिर सबायों, ठीक है, और फिर फ्यूंतीन क्रुकांतीन, ठीक है, कुछ नहीं है, ये सारे बेसिकली 150 किस्म के तो बिस्कुट बनाए हैं, किसी को अलग अलग शेप कर दिया है उन्होंने, किसी के फ्लेक्स बना दिए हैं और अलग अलग नाम रख दिए हैं, और ये पकड़ के लोड रहते हैं हमको बस, और कुछ नहीं है इसमें। कूवर्चर, चॉकलेट को चॉकलेट बोल लो कूवर्चर,
अब जो है वैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कूवर्चर है, तो ऐसे नाम रखे हुए, घबराना नहीं कोई। एटलीस्ट मैं अपने आपको यही बताता हूँ कि रणवीर घबरा मत। तिरामिसू में एक बिस्किट जाता है, जो फिंगर होती है लेडीज फिंगर है ना, फिंगर की तरह होती हैं, तो नाम उसका लेडी फिंगर है, लेकिन जो शेफ़ लोग हैं उसको बोलेंगे सावियोर्दी, क्योंकि सावियोर्दी सुनने में अच्छा लगता है, फैंसी है थोड़ा। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है जी, बड़े अतरंगी नाम है, वैसे नाम तो बड़े अतरंगी हैं। ये माई रैंट इज़ ओवर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा खाना नहीं है, ये एजुकेशन ही बाहर से है, क्योंकि खाना ही दूसरों का है। पातिसरी एज अ फंक्शन इज यूरोपियन, राइट, तो वो टर्म्स यूरोपियन है, तो ऐसा नहीं है कि पेस्ट्री शेफ जो है वो फैंसी बनने की कोशिश कर रहे होते, इन चीज़ों के इंडियन टर्म्स है ही नहीं, बिकॉज कुकिंग जो है वो यूनिवर्सल है। ये पातिसरी जो है ना, ये स्यापा यूरोप से आया, इसलिए नाम सारे स्यापे वाले उन्होंने डाले। बराबर से लेवल करना है उसको, ज़्यादा मोटा पतला नहीं होना चाहिए, वरना फिर कटेगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर की जो फीलिंग है वो ठंडी है, और ये जो है वो गर्म है, तो जाहिर सी बात है इसको ठंडा करना पड़ेगा, वरना नीचे जो है वो घी बन जाएगा और ऊपर चीज़ केक हो जाएगा। तो जी बेसिकली तीन हिस्से होते हैं किसी भी चीज़ केक के, एक होता है बेस, एक होती है उसके ऊपर ये टॉपिंग, और तीसरा ऑप्शनल होता है फ्रॉस्टिंग अगर करनी है तो, अगर आपको अगर कोई जेली वेली उसके ऊपर डाल के कोई फ्रॉस्टिंग करनी है तो, या गार्निश। ठीक है, पहला हिस्सा जो है फ्रिज में जा चुका है, ठंडा करना है। प्लीज़ मत पूछिए कितनी देर तक करना है, जब आपको लगे कि ठंडा हो गया है तो उसका मतलब वो काम हो गया। ठीक है, हंसते खेलते हुए खाना बन जाए, अच्छा है साहब। अब इसको जमाने के दो तरीके हैं, एक है जेलेटिन और एक है चाइना ग्रास या अगार अगार। हम यूज़ करेंगे चाइना ग्रास या अगार अगार, कुछ ऐसा दिखेगा, पाउडर भी आता है। ठीक है, अब इसको जमाना है। तो अब ये जो है ना, ये हमारा बेस चीज़ केक का, इसको जमाना है। इसको जमाने के लिए कोई भी सेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ चाइना ग्रास। जेलेटिन जो है वो नॉन वेजिटेरियन होता है, इसलिए अगर आप वेजिटेरियन चीज़ बना रहे हैं तो अगार अगार ही डालें। ठीक है, देखिए दो किस्म के मोटा मोटी थिकनिंग एजेंट्स होते हैं, एनिमल थिकनिंग एजेंट्स और वेजिटेबल थिकनिंग एजेंट्स। एनिमल थिकनिंग एजेंट्स प्रोटीन की वजह से थिकन करवाते हैं, जैसे कि जेलेटिन हो गया, एग योक हो गया, और वेजिटेबल थिकनिंग एजेंट्स स्टार्चेस की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, जैसे मैदा, अरारोट, कॉर्न स्टार्च, अगार अगार, जैंथन गम, ग्वार गम, राइट। अभी क्या होता है कि जेलेटिन जो है वो पिघलता जल्दी है, राइट, तो जेलेटिन जो है वो 40 डिग्री पे पिघल जाता है, और अगर अगर 85 डिग्री सेल्सियस से पिघलता है, तो लोग कहते हैं कि जहाँ बहुत गर्म एरियाज हैं वहाँ पर आप अगर अगर यूज़ करो, अगर बाहर गर्मी इतनी है तो आपका डिज़र्ट नहीं चलेगा। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि हमारे शरीर का तापमान होता है 37, यानी कि अगर कोई चीज़ हमारे शरीर के तापमान पर ज़ुबान पर रखने पर पिघल जाए, उसका जो हम टेस्ट बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे, राइट। यानी कि अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा जो ज़ुबान पर पिघले तो जेलेटिन, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ की बाइट हो, जैसे बबल टी में होती है, आप चाहते हैं कि आप बाइट करें उसके अंदर, तो फिर उसके लिए अगार, या फिर मिक्स ऑफ बोथ। मोटा मोटी इट्स नॉट वन ओवर द अदर, इट्स अबाउट चूजिंग वाइजली कि आपको टेक्सचर क्या चाहिए और आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। और अगर अगर जो है वो ऐसा ही एक स्टार्च है जो कि समुद्र में यूँ समझ लीजिए कि उगने वाली काई से आता है, सीवीड से आता है, और सबसे पहले एक जनाब जो है सीवीड से अपना बाहर रख के भूल गए, बाद में उन्होंने देखा कि जेलेटिन बन गई, तो ऐसे 1650 के करीब अगार अगार ढूंढा गया, बट इट इज अ सीवीड स्टार्च। अगर आपका एक लीटर मिक्सचर है तो 8 से 10 ग्राम अगर डालना है उसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा अगर मगर हो रही है ना। अगर आपका एक लीटर मिक्सचर है, एक किलो मिक्सचर है, उसके अंदर 8 से 10 ग्राम अगर डालिए, लेकिन अगर आपके पास अगर नहीं है तो आप जेलेटिन भी डाल सकते हैं, ये बाकी की शुगर। स्ट्रॉबेरी प्यूरे पड़ी है मेरे पास, तो ये स्ट्रॉबेरी प्यूरे। तो अब बेसिकली अब हम बनाने जा रहे हैं नो बेक स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। स्ट्रॉबेरी प्यूरे डाल के मैं गैस कर रहा हूँ बंद, क्यों, ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है ये टेम्पर हो जाए। टेम्परिंग का मतलब आप टेम्परेचर किसी भी चीज़ का जब धीरे धीरे गिराते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं टेम्परेचर गिराते समय, ताकि पूरी जो जो पूरा जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर एक साथ गिरे। पहले तो एक दूसरा बोल लो, क्योंकि ये पैन गर्म है रणवीर बरार। देखिए धीरे से उसका टेम्परेचर गिराया, इज्जत वाली स्टेज पे लेके आए टेम्परेचर की, अगर हम थोड़ा सा मिक्सचर डालें तो अटली इसका घी ना बने। अभी दो काम कर देते हैं, देखिए लगे हाथ,
एक तो ये कि हल्का सा लेमन जेस्ट डाल ही देते हैं, मुझे लगा कि लेमन जेस्ट अच्छा जाएगा, स्ट्रॉबेरी के साथ भी अच्छा जाएगा। तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा, सफ़ेद वाला हिस्सा नहीं है नींबू का, थोड़ा सा दूसरा मिक्सचर लिया हमने और इसको मिक्स किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप दो मीडियम हैं आपके पास, अभी दोनों मीडियम्स को आप एक साथ मिलाएंगे, उससे पहले दोनों की छोटी सी मुलाकात करा लीजिए कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो एसी कंट्रोल नहीं है तो जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, वरना ये घी और मक्खन बनने में कोई वक्त नहीं लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, विस्से अच्छे मतलब मक्खन नहीं बनाना उसका, लेकिन मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि इसको हम पुलअप बनाते हैं। पुलअप आजकल बड़े फैशन में है ना, पुलअप केक्स। गर्मी बहुत है यहाँ पर, इतनी गर्मी जो है चीज़ केक्स के लिए अच्छी नहीं है, ऑलरेडी मक्खन बनना शुरू हो गया। अगर आपके किचन का तापमान ज़्यादा है और आपने क्रीम चीज़ क्रीम वगैरह विप कर दी है तो उसको पहले फ्रिज में डाल दें, उसके बाद बाकी काम करें, वरना वो फिर वही हो जाएगा कि वो घी मक्खन सा हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, नाउ दिस गोज इनटू द फ्रिज, ये फ्रिज में जाएगा जब तक जमता नहीं, यानी कि कम से कम इसको फ्रिज में लगेगा जी 1.5 घंटा, उसके बाद इसकी फिर हम वो पुल मी अप फ्रॉस्टिंग करेंगे। हैं वो आजकल फैशन में ना, ऐसे कुछ बड़ा होता है ऐसे निकालो तो वो वाला। नीचे से देखिए जो बिस्किट क्रस्ट है ये देखिए, उसमें बटर को पंजीरी की तरह ब्राउन कर लेंगे तो फिर वो नटीनेस आ जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा ये चिल्ड होना चाहिए, तो इसको कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर शीट। पहले टाइम क्या होता था, इसके ऊपर हम परमानेंट मार्कर से लेसन प्लान्स लिखते थे और उनको प्रोजेक्ट कर देते थे ओवरहेड प्रोजेक्शन से, तो वो ये शीट जो है हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं पेस्ट्री शेफ्स। हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच से काट के और टेप लगा के इस तरह का बना लेंगे, ये देखिए। सो जितने भी पुलअप केक्स हैं उसमें OHP शीट का इस्तेमाल होता है, बस आप ये समझ लीजिए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने वाली, और इस तरह आपको अक्सर जो है वो पुलअप केक्स दिखते हैं, राइट। करना कुछ नहीं होता, आपने आपने सिर्फ धीरे से ये निकालना होता है और ग्लेज जो है वो अपने आप बहते बहते